हाँ जी दोस्तों, अगर आप कॉग्निजेंट कंपनी के अंदर प्रोसेस एसोसिएट के जॉब के लिए जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने सुरेश को इनवाइट करा है जो कि इस कंपनी में ही प्रोसेस एसोसिएट के रोल पे काम कर रहे हैं। और इनके माध्यम से गाइस हम आपके साथ में कंप्लीट डिटेल बेसिकली शेयर करने वाले हैं कि इस कंपनी में किस तरह से आप इस रोल पे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी पैकेज क्या आपको मिलने वाली, यहाँ पे जॉब रोल क्या रहता है, वर्क कल्चर कैसा है, मेनली गाइस इंटरव्यू में कितने राउंड होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होता है, उसके बारे में इन डिटेल हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह क्या होता है। सो बेसिकली गाइस अगर आप इस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इंटरव्यू के बारे में तो हम बात करेंगे, पर साथ साथ आपके साथ गाइस हम वर्क कल्चर हो गया और सारी चीज़ें आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करने वाले ताकि आपको सारी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से पहले से आइडिया रहे। दोस्तों बहुत ही शानदार अपडेट, सारे गाइस प्रॉपर तरीके सारे स्टेप समझ लेना और सेम चीज़ों को दोस्तों अगर आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप गारंटी इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। और साथ साथ गाइस इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस चैनल पे आकर के अपना इंटरव्यू भी शेयर करना है तो आपको दोस्तों गूगल फॉर्म नीचे मिल जाएगा, उसको फिलआउट कर सकते हैं। और इस गाइस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इसकी वजह से। सो गाइस वी अगेन हैव विद अस सुरेश जो कि कॉग्निजेंट कंपनी के अंदर काम कर चुके हैं एज अ प्रोसेस एसोसिएट या एग्जीक्यूटिव के रोल पे। तो सुरेश भाई वेलकम बैक ऑन आवर चैनल, प्लीज थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड और कहाँ पे पहले आपने काम कर रखा है और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हेलो गाइस, मेरा नाम सुरेश है, मैं उड़ीसा से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीएससी आईटी में 2019 में ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी से। और मैंने प्रीवियसली काम किए हैं बायजूस में और कॉग्निजेंट में भी काम किया है एज ए प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। और अभी फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ एज ए ऑपरेशन एसोसिएट फोन पे। जी जी जी, ठीक है। तो सुरेश हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, पर उससे पहले हमें ये बताइए सुरेश कि आपने आई थिंक 6 महीने के अराउंड कॉग्निजेंट में काम करा है, राइट? तो हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पे 6 महीने तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसा वर्क कल्चर यहाँ का है और कितना अच्छा है या टॉक्सिक है, कैसा वर्क कल्चर है, और इसके साथ साथ आपके डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इन सारे चीज़ों का आप एक साथ बता दीजिए हमें। तो कॉग्निजेंट में मेरा जो रोल था प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का था, ये मेरा जब मेरा जॉब लगा जुलाई में 2022 में लगा मेरा, तो उस टाइम ये कंपनी तभी इसको टेम्पररी वर्क फ्रॉम होम की अनाउंस की थी, तो हम घर पे काम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम। और ये काम की बात की जाए तो ये हमारा हेल्थ केयर के इंडस्ट्री के ऊपर था। कैम्बिया क्लेम्स करके एक कंपनी है USA का जी, तो उसके तो उनके लिए हम काम करते थे, नाइट शिफ्ट वर्क था। तो हाँ, काम ये करता था, मेडिकल कोडिंग के रिलेटेड काम था हमारा, ट्रेनिंग भी हमारा करीब 1 महीना हुआ था मेडिकल कोडिंग। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट है कंपनी का, कोई मतलब हॉस्पिटल की बात की जाए तो मेडिकल कोडिंग जो एक उसका कोडिंग रहता है उसके थ्रू हम कैसे उसको डिकोड करेंगे, जो जितने सारे रिपोर्ट्स हैं हॉस्पिटल का, तो हम बैकएंड में कैसे काम करेंगे और सीनियर को रिपोर्ट करेंगे, इस टाइप का हमको ट्रेनिंग मिला था। और उसके रिगार्डिंग और इस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा था अगर आपको रेट करना होगा तो थोड़ा बताएंगे कैसा आपको लगा काम का कल्चर? कंपनी तो सपोर्टिव थी, लेकिन मुझे थोड़ा इशू ये हो रहा था कि नाइट शिफ्ट का थोड़ा वर्क इशू रहा था मेरे लिए, क्योंकि शाम 5:30 बजे से सुबह करीब 4:30 बजे तक हमको काम करना रहता था। 4 बजे कभी कभी 3:30 हो जाता था, कभी थोड़ा मतलब डिले हो जाता 4 बजे तक, ऐसा रहता था। 11 घंटे की बात नहीं कर रहे, मैं ये बोल रहा हूँ 5:30 बजे से काम शुरू होता था, 3:30 बजे तक कभी हो जाता, मतलब कभी 4 बजे तक थोड़ा डिले होती थी वैसे तो वहाँ पे ये है। जी जी जी, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं ये लोग नाइट शिफ्ट है, ऑब्वियसली एक ह्यूमन के लिए बट ठीक है, नाइट शिफ्ट है तो वो तो उन्होंने पहले क्लियर कर दिया होगा, बाकी आप बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक था। ठीक है। तो सुरेश अब हम सीधे आते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हमें बताइए सुरेश कि आपने किस प्लेटफॉर्म से अप्लाई करा था इस जॉब के लिए? अच्छा, नौकरी.com। और कितने देर के बाद आपका रिस्पॉन्स आया था? करीब 10 से 15 दिन। तो आपने लिंक से अप्लाई करा होगा, राइट? तो बोल सकते हैं कि लिंक पे जॉब के जॉब जो जॉब पोस्ट है उसके लिंक से अप्लाई करा होगा। ठीक है। तो अब हमें ये बताइए सुरेश कि जो आपका पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू था
वो टेलीफोनिक था, वीडियो कॉल था, ठीक है। तो हमें बता दीजिए कि जो पहला आपका राउंड ऑफ इंटरव्यू था वो कैसा गया आपका, मतलब उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस थे, डेट बता दीजिए डिटेल में हमें, और साथ में कितना देर तक चला था आपका इंटरव्यू। पहला तो स्क्रीनिंग प्रोसेस था, मतलब जस्ट वो हमारा कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं और कैसा हम बात कर रहे हैं क्या है उसके रिगार्डिंग चेक कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और कंपनी के बारे में थोड़ा क्या जानते हो और उसके रिगार्डिंग नॉर्मल क्वेश्चंस, मतलब क्या बस इंट्रो वगैरह था, कुछ और भी क्वेश्चंस थे आपके? इंट्रो नहीं, इंट्रो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं था, तीन चार क्वेश्चन था, जैसे कि पहला टेल मी अबाउट योर सेल्फ था, उसके बाद हमारी कंपनी कॉग्निजेंट के बारे में क्या जानते हो और थोड़ा प्रोसेस के बारे में, मतलब जॉब के रिलेटेड थोड़ा हिंट भी वो दिए थे क्योंकि ये हेल्थ केयर प्रोसेस में आता है, आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, ऐसा दो तीन क्वेश्चन था समझ के। बेसिकली वो आपका कम्युनिकेशन चेक कर रहे थे, साथ में आपके एलिजिबिलिटी भी चेक कर रहे थे और आपको बता भी रहे थे कि ऐसे ऐसे आपको काम करना पड़ेगा, आप आई होप आप कम्फर्टेबल है इसमें, ठीक है। मुझे पहले ये बता दीजिए एक तो चीज़ सुरेश की, यहाँ पे जो आपका राउंड ऑफ इंटरव्यू सारे हुए थे वो सारे क्या इंग्लिश लैंग्वेज में हुए थे या फिर मतलब लेवल ऑफ इंग्लिश कितना चाहिए यहाँ पे? इंग्लिश क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल रहा था कि ये नाइट शिफ्ट में किया था तो इसका इंग्लिश मतलब चाहिए, अच्छा खासा इंग्लिश चाहिए था। हिंदी में वो पूछ सकते हैं लेकिन हिंदी के उतना जरूरत मुझे नहीं लगा क्योंकि होने के बाद भी जो कि आई थिंक थोड़ी कम है ना अगर आप देखा जाए, क्योंकि बिकॉज एक तो नाइट सेटअप कर रहे हैं, सेकंड आप यूएस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो बिकॉज ये बीपीओ में आप है इस वजह से ये लोग थोड़ी सी सैलरी कम दे रहे हैं। अगर आप ये किसी बड़े कंपनी में होते, डेडिकेटेड किसी यूएस कंपनी के लिए काम कर रहे होते बीपीओ के अलावा, तो आपको सैलरी और ज़्यादा बढ़ती मिलती ऑब्वियसली यहाँ पे, है ना? और वो भी है कि मैं उस टाइम फ्रेशर भी था इसलिए सैलरी भी, ठीक है। तो ये सैलरी आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो अब हमें बता दीजिए सुरेश कि आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, सेकेंड राउंड जो था वो किस तरह से था, वीडियो कॉल तक क्या था, कितने टाइम के बाद रिस्पांस आपका आया था, वहाँ पे क्या क्या बताया पूछा गया था क्वेश्चन, भाई वो थोड़ा सा बता देना मैं डिटेल में क्वेश्चन के प्रिसाइजली, ठीक है जी। ठीक है। सेकेंड राउंड ये हुआ था कि एक असेसमेंट हुआ था, एक एप्टीट्यूड असेसमेंट हुआ था, तो नॉर्मल 20 से 25 क्वेश्चन थे, एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे, तो उसको कंप्लीट करना था। जैसे जैसे आप पास करेंगे तो आप फाइनल राउंड के लिए बढ़ेंगे, मैनेजर राउंड के लिए, तो वो राउंड मैंने कंप्लीट कर दिए थे। नॉर्मल एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे। मुझे बताइए कि टेस्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे आपसे सुरेश, उससे कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए दो चार हमें। मैथ थोड़ा रिलेटेड थे आपका, जैसे कि इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश का भी थोड़ा था, चार पांच क्वेश्चन इस टाइप का थे, इतना डिटेल में मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जैसे आप कम्युनिकेशन फर्स्ट राउंड में चेक कर रहे थे वर्बली, तो अभी आपका रिटर्न में भी आपका चेक करें आपको इंग्लिश सही में आता है या नहीं आता है, वो चेक कर रहे थे। नहीं, इंग्लिश ही था बस उसके अंदर सुरेश, या फिर मैथ और रीजनिंग भी थी, मिक्स राउंड था, मिक्स था, थोड़ा मैथ था, मैथ भी था और ये इंग्लिश भी थोड़ा था। तो बेसिकली इंग्लिश में आपकी वर्बल चेक कर रहे होंगे, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, या कुछ सेंटेंस को रिपीट करना हो गया, या जंबल वर्ड्स मिल गए उसको अरेंज करना हो गया, है ना, या कुछ सुन करके उसको रिपीट करना हो गया, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी मैथ के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं 9th, 10th, 11th वाले, बेसिक 11th ज़्यादा हो गया, 10th से पहले वाले वैसे बेसिक मैथ्स होंगे, राइट? ठीक है, जो कि 20 मिनट के लिए था। हाँ, समझ गए। ठीक है, तो इसके बाद का क्या राउंड था आपका सुरेश? इसका फाइनल राउंड था, मैनेजरियल राउंड था, तो इसमें करीब मुझे 4-5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें पहला था मेरा इंट्रो था, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मुझे मेरे प्रीवियस कंपनी सॉरी हमारे एजुकेशन के बारे में मुझे पूछा गया, क्या कहाँ से हैं, क्या पढ़ाई किए हैं, डिटेल्स मुझे पूछा गया।
मेरे फैमिली के बारे में थोड़ा क्वेश्चन मतलब पूछा गया, कौन घर में कौन कौन है क्या है, मैंने डिटेल में बताया। उसके बाद मुझे एक टॉपिक दिया, कि टॉपिक नहीं थे, ऐसे बोले कि सुरेश आप एक टॉपिक ले लीजिए, मुझे करीब 2 से 3 मिनट तक इंग्लिश में बताएंगे। तो मैंने क्रिकेट एक टॉपिक लिया और मैं क्रिकेट के बारे में जो कुछ मैं जानता था मैं करीब 2.5 मिनट से इंग्लिश में बात की, ठीक है। और थोड़ा जैसे ही मैंने इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश के बाद जैसे टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया, उसके बाद वो और थोड़ा डिटेल में गए प्रोसेस के बारे में, वो मुझे और थोड़ा बताया कि ये प्रोसेस है, तो आप इसके लिए रेडी है या नहीं है, फिर क्या आप सोच रहे हैं। उसके बाद पूछे और भी पूछे कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मुझे सिचुएशनल बेस पूछे। तो उसके बाद मेरे को आगे प्रोसीड किया, समझ गया। 4-5 क्वेश्चन सारा आपका वीडियो कॉल राउंड था ना, और कितने देर चला था ये सुरेश? ये भी करीब 10 से 15 मिनट बीच, ज्यादा भी नहीं है। ठीक है ठीक है, इसके बाद का बता दीजिए प्रोसेस क्या है, आपको कैसे ज्वाइनिंग का मेल आया और क्या कैसे क्या हुआ? मुझे इसके बाद तुरंत उसी दिन रात को एक मेल आ गया, कि नॉर्मल एक मैसेज कि एक मेल आया कि कंग्रेचुलेशन सुरेश, यू आर सिलेक्टेड फॉर द प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एट कॉग्निजेंट। और उसके नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुझे डॉक्यूमेंट मांगे गए, मैं डॉक्यूमेंट जैसे दिया। उसके बाद और नेक्स्ट 2 दिन के बाद मुझे अनबोर्डिंग के रिगार्डिंग। अंडरस्टूड, ठीक है। तो थोड़ा सा बता दीजिए हमें हल्का सा कि यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में क्या कितने टाइम का था, क्या हुआ, और उसके बाद वी कैन एक्चुअली क्लोज द इंटरव्यू। ओके ठीक है, जैसे ही मेरा हमारा ऑनबोर्डिंग हो जाता है उसके नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद ही हमको एक स्पेसिफिक ग्रुप अलॉट हुआ है एक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो ट्रेनिंग हमारे ट्रेनर थे वो हमको प्रोसेस के रिगार्डिंग इंक्लूड किए थे, कि हमारा जैसे कि मेडिकल कोडिंग के ऊपर था तो करीब 20 से 25 दिन अराउंड 1 महीना बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग कैसे रहेगा, मटेरियल और डिटेल्स वो हमको डिटेल्स दिए। और आगे स्टेप बाय स्टेप जैसे कि हर एक दिन का क्लास होता था तो उसके हिसाब से हमको एक छोटा सा क्विज भी लेते थे कि आज हमने जो जो पढ़ाई की है तो उसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि आपने कितना सीखा या नहीं सीखा, डिटेल्स किसको कहाँ दिक्कत हो रही है, तो आगे हम बात करते हैं। अंडरस्टूड, तो इस टाइप का होता था। ठीक है। और ये आपका जो काम था कॉग्निजेंट में सुरेश, ये 5 डे था, 6 डे था? ठीक है, और नाइट की शिफ्ट थी आपकी। ठीक है सुरेश, आई थिंक आपने इस इंटरव्यू के बारे में सारे डिटेल हमें दे दिए। अगेन वंस अगेन सुरेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। अच्छा, आपको लग रहा है कुछ चीज़ अब मिस हो रहा है जो आप ऐड करना चाहते हैं अभी वीडियो में? ऐड करना ये चाहते हैं कि देखिए मेन चीज़ है कि किसी भी इंटरव्यू में, खासकर कॉग्निजेंट में भी बोला, मेन चीज़ होता है कम्युनिकेशन। खासकर US प्रोसेस में मेरे इसमें जो हुआ था तो वो ज़्यादा मुझे और कोई क्वेश्चन में नहीं देख रहे थे, ज़्यादा मुझे मेरे कम्युनिकेशन ही चेक कर रहे थे, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं US एक कंपनी के लिए काम करूँगा, तो मैं मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है। तो सुरेश, आर यू फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, और इंग्लिश कैसे आपने इतनी इम्प्रूव करी आपकी? तो मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं हिंदी उड़िया हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। इंग्लिश आपने इतनी स्ट्रांग कैसे करी आपने अपनी? तो कम्युनिकेशन हाँ प्रैक्टिस कर करके इंटरव्यू दे देंगे, मेरा कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हुआ है। राइट, अंडरस्टूड। ऑल राइट सुरेश, आई थिंक आपने हमारे सारे ही क्वेश्चंस के मोस्टली आंसर दे दिए। आई होप कि इस वीडियो से मेजॉरिटी ऑफ हमारे व्यूवर्स को मदद मिलेगा। अगेन सुरेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। ऑल्सो गाइस, सुरेश का भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये जॉब के रिगार्डिंग की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उनके चैनल को भी आप लोग देख सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनका भी। थैंक यू सो मच अगेन सुरेश फॉर कमिंग आवर चैनल। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थे कंप्लीट सुरेश के इंटरव्यू। आशा करता हूँ गाइस कि इस वीडियो से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को मदद मिलेगा, जो भी जा रहे हैं इस कंपनी प्रोसेस के लिए, इस रोल पे जा रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये थी वीडियो गाइस, अगर आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये थी वीडियो, आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड टेक केयर, प्लीज़।